किसी भी स्प्रेडशीट को सीखने से पहले सेलेक्टर्स सीखना बहुत जरूरी होता है। तो सेलेक्टर्स क्या होता है, आइए दिखाता हूँ। ये फिलहाल तो ये गूगल शीट है, एक्सेल जैसा ही है लेकिन एक्सेल से ज्यादा बेहतर और एडवांस है ये, ठीक है। इसमें देखेंगे सेलेक्टर्स क्या है। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पर इसको कहते हैं कॉलम और इसे कहते हैं रो। ये जो हॉरिजॉन्टल है ये रो कहलाता है और ये जो वर्टिकल है इसे कॉलम कहते हैं। तो ये भी कॉलम है, ये भी कॉलम है और हर एक कॉलम का अपना एड्रेस है। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेम ऑफ प्रोडक्ट, तो ये जैसे ही नेम ऑफ प्रोडक्ट मैं लिखता हूँ तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि ये नेम ऑफ प्रोडक्ट किसी जगह पे लिखा गया है और इस जगह का क्या नाम है। तो यहाँ से जब चौड़ाई बढ़ानी होगी, जैसे ये छोटा हो गया सेल तो चौड़ाई बढ़ानी है, इसमें निकल के जा रहा है इधर वाले में, तो चौड़ाई बढ़ानी है तो यहाँ पर रखिए कर्सर को, ये इस तरीके का शेप बन जाएगा और माउस का राइट बटन दबाइए और ड्रैग कर दीजिए माउस को इधर यानी राइट की तरफ, तो ये जो है साइज रिसाइज हो जाएगी इसकी, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया मैंने प्राइस, तो आप देख सकते हैं प्राइस की, प्राइस का जो सेल एड्रेस है वो क्या है, ये बी कॉलम है और वन रो है, यानी बी वन में लिखा हुआ है प्राइस। इसी तरीके से यहाँ पे हम कर देते हैं क्यू टी वाई यानी क्वांटिटी, तो क्वांटिटी कितनी रही वो यहाँ पे आ जाएगा। क्वांटिटी का भी सेल एड्रेस है, क्वांटिटी का क्या है सी सी वन। इसी तरीके से फिर हम यहाँ पे टोटल करेंगे इसका, तो टोटल का भी सेल एड्रेस आएगा, तो इसका क्या सेल एड्रेस है डी वन। तो अब यहाँ पे देखो ड्रॉप डाउन बना, तो ड्रॉप डाउन जैसे ऐसे भी हम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे राइस कर दिया, यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन हम एक ड्रॉप डाउन बना लेते हैं। ड्रॉप डाउन कैसे बनाएंगे, यहाँ पे जितने एरिया में ड्रॉप डाउन चाहिए उतना एरिया सेलेक्ट कर लीजिए, कर लिया। अब क्या करना है, यहाँ से डाटा टैब पे जाना, ये डाटा दिख रहा है इसे हम मेन्यू कहते हैं या टैब कहते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर हमें टाइटल दिखाई दे रहा है, इस टाइटल को अगर चेंज करना है तो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे जा करके कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं इसे अकाउंट मैनेजमेंट नाम दे देता हूँ, अकाउंट मैनेजमेंट, तो ये दे दिया, तो ये अकाउंट मैनेजमेंट के नाम से हो गया, देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर इतने में ड्रॉप डाउन बनाना, यहाँ से जाएंगे और यहाँ से जाकर के क्या करेंगे, ये डाटा वैलिडेशन पे चले जाएंगे, और जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पर ये डायलॉग बॉक्स साइड में ओपन हो जाता है, ठीक है। अब जब साइड में ओपन होगा तो यहाँ एड रूल पे जाएंगे और जितने एरिया में हमें ड्रॉप डाउन चाहिए उतने एरिया, देखिए सेलेक्शन में आ गया ये। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ऑप्शन वन आ रहा है, इसको हटा देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पहला नाम लिखेंगे पहले प्रोडक्ट का, जैसे मान लीजिए पहला प्रोडक्ट है हमारा कीबोर्ड, ठीक है, तो ये कीबोर्ड लिख दिया। फिर इसी तरीके से दूसरा प्रोडक्ट है यहाँ पे माउस, तो माउस लिख दिया। तीसरा प्रोडक्ट का यहाँ पे दिख नहीं रहा है कि कहाँ लिखे, तो यहाँ पर आप अनदर एड अनदर आइटम पे जाएंगे तो ये तीसरा प्रोडक्ट भी आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं लैपटॉप, और ये लैपटॉप किसका है, लेनोवो का है, लेनोवो, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये भी आ रहा है, तो यहाँ पे आप कलरिंग भी कर सकते हैं, जैसे कीबोर्ड इस कलर में आएगा, माउस जो है इस कलर में आएगा, यहाँ से कलरिंग भी कर सकते हैं आप, ठीक है, ये इस कलर में आएगा इस तरीके से, ठीक है। फिर अनदर आइटम पे जाएंगे तो यहाँ पे लैपटॉप फिर करते हैं, लैपटॉप इस बार क्या करते हैं डेल का लैपटॉप है, तो ये डेल का कर दिया। और यहाँ से आप कलर भी लगा सकते हैं, यहाँ से रीसेट भी कर सकते हैं, कलर को कस्टमाइज कर सकते हैं, तो कस्टमाइज में जैसा कलर चाहेंगे वैसा कलर आएगा, जिस हिसाब से आप चाहेंगे उस हिसाब से कलर आएगा, तो यहाँ से चूज करेंगे और उसी कलर में यहाँ पे आ जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कलर आया हुआ है तो यहाँ पे ये लगा सकते हैं, या जो भी कलर आपको ठीक लगे यहाँ पे जाके लगा सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से जाएंगे तो ये इतने सारे हो गए, एक दो तीन चार हो गया, पांचवा ले लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे कर देते हैं हम रैम, आर ए एम, रैम, रैम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी को। यहाँ से इसका भी कलर अगर बदलना चाहे तो यहाँ से बदल सकते हैं, जो भी कलर लगाना चाहे इसमें लगा लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम करेंगे SSD, तो यहाँ पे लिख देते हैं SSD, SSD इस कलर में आएगा। फिर आते हैं नीचे, फिर यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे हार्ड डिस्क कर देंगे, तो यहाँ पे आकर के ये वाला कलर अब चूज किया और यहाँ पे लिख दिया हार्ड डिस्क, तो हार्ड डिस्क इस तरीके से लिखा जाता है। अब चूंकि HD इसलिए नहीं क्योंकि HD का मतलब हो जाएगा हाई डेफिनेशन, तो हार्ड डिस्क को लिखते समय ये HDD कैपिटल कर दिया जाता है, और यहाँ से ओके करिएगा तो यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन मिल जाएगी। अब ये ड्रॉप डाउन कुछ इस तरीके से दिखेगा, देखिए ये एक अलग लुक आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज जो है आपको एक्सेल में नहीं मिलेगा, एक्सेल में इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तब ऐसा होगा, और ये गूगल शीट में बड़े आसानी से हो जाता है। तो यहाँ से कीबोर्ड चूज कीजिए, यहाँ से माउस चूज कीजिए, यहाँ से जो भी आपका प्रोडक्ट हो वो यहाँ से चूज कर सकते हैं और ये बेहतर लुक आपको मिल जाता है गूगल शीट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, और फिर यहाँ पे SSD हो गया, फिर यहाँ पे हार्ड डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क ले लिया हमने, और तो कोई प्रोडक्ट है इसमें तो अब तो नहीं है। तो यहाँ पे रिपीट करते हैं हम, यहाँ पे मैं लैपटॉप डेल का रिपीट कर देता हूँ और यहाँ पे कीबोर्ड रिपीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे प्राइस की बात आएगी, तो जैसे ही आप प्राइस लिखेंगे ना, यहाँ पे ध्यान दीजिए,
यहाँ पे प्राइस लिखिए, जैसे मान लीजिए कीबोर्ड की प्राइस 200 रुपए है, तो 200 लिखा ना, तो 200 इस तरीके से आ जाता है। और ये चीज ध्यान दीजिएगा कि ये नंबर है, ये 200 लिखा है, ये क्या है, ये नंबर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये प्राइस लिखा है तो ये क्या है, ये टेक्स्ट है। तो किसी भी स्प्रेडशीट में टेक्स्ट हमेशा लेफ्ट में अलाइन रहता है और नंबर हमेशा किधर की तरफ अलाइन रहेगा, राइट की तरफ। तो ये एक्सेल में भी यही है, ठीक है। अब यहाँ पे ये 200 दे दिया, यहाँ पे माउस की प्राइस मान लीजिए हमने दे दिया 180 रुपए, ठीक है। लैपटॉप डेल का जो है, अच्छा यहाँ पे देखिए ये पूरा शो नहीं कर रहा है, तो आप यहाँ से इसको ड्रैग करके बड़ा कर सकते हैं, तो ये पूरा शो करने लगेगा इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे लैपटॉप है लेनोवो का, तो लेनोवो का लैपटॉप है 40,000 का, कितने का है 40,000, तो यहाँ पे 40,000 कर दिया हमने। डेल का लैपटॉप है 45,000 का है, तो यहाँ पे 45,000 कर दिया। रैम है तो आपका रैम है 1400 का, तो ये 1400 का रैम कर दिया। एसएसडी है 3000 की, तो यहाँ पे 3000 का एसएसडी कर दिया। हार्ड डिस्क है 1200 का, तो यहाँ 1200 का हार्ड डिस्क कर दिया। डेल का फिर लैपटॉप आया है, तो ये लैपटॉप है आपका 35,000 का, ये थोड़ा सस्ता है, ठीक है। यहाँ पे कीबोर्ड है 210 रुपए का, तो इस तरीके से हमने कर दिया। लेकिन यहाँ पे देखिए प्राइस में आपको करेंसी नहीं शो हो रही है, करेंसी कहाँ से आएगी, इसमें करेंसी भी तो शो होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मेट करेंसी दिया गया है, तो यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे ये इस तरीके से आ जाएगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि इस ये जो है रुपीज में आए, तो रुपीज में ये कैसे आएगा, यहाँ पे रुपीज में ये दिखाई नहीं दे रहा है, ये तो किस में दिखाई दे रहा है, डॉलर में दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, इसके लिए हमको यहाँ से एक काम करना होगा, तो यहाँ से पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करके कहाँ जाएंगे, फॉर्मेट के अंदर जाएंगे और फिर नंबर में जाएंगे, और फिर नंबर में जाने के बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर अलग अलग करेंसीज आ रही हैं, तो हमें इंडियन करेंसी चूज करनी होगी। तो यहाँ पे देखिए ये देखिए इंडियन रुपीज आ रहा है, तो यहाँ पे जाइएगा तो ये इंडियन करेंसी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ का जो फॉर्मेट है, यही फॉर्मेट हम यहाँ पर भी रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये एक ऑप्शन मिल जाता है आपको पेंट फॉर्मेट का, ये एक्सेल में आपको फॉर्मेट पेंटर के नाम से मिलता है, यहाँ पर पेंट फॉर्मेट है, इस पर क्लिक किया ये फॉर्मेट कॉपी हो गया, और इसी एरिया में ये फॉर्मेट हमें लगाना है, तो ये एरिया में हमने ये फॉर्मेट लगा दिया। अब हमको क्वांटिटी चूज करनी है, तो यहाँ पे जितनी भी क्वांटिटी यहाँ पे सेल हुई हो वो क्वांटिटी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो जो भी डालेंगे क्वांटिटी उसके हिसाब से यहाँ पे ऑटोमेटिक ये कैलकुलेट करेगा, एक बार फॉर्मूला लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा, ठीक है ना। अब कैसे कैलकुलेट करेगा ये देखिए, यहाँ पे इज इक्वल टू लगाइए, बिना इज इक्वल टू का तो फॉर्मूला स्टार्ट होगा नहीं। और यहाँ देखिए गूगल शीट में अपने आप इसने सेलेक्ट कर लिया, ये कह रहा है कि B2 और C2 को ही तो मल्टीप्लाई करना है, तो इसने मल्टीप्लाई कर दिया अपने आप। लेकिन ये एक्सेल में नहीं होगा, एक्सेल में आपको मल्टीप्लाई लगाना पड़ता है अपने हाथ से। एंटर करिए, यहाँ पे आ गया। अब देखिए ये रुपीज के फॉर्मेट में आ गया, और जैसे ही हम नीचे क्लिक करते हैं तो एक सजेस्टेड ऑटोफिल देता है, तो यहाँ पे क्लिक करिएगा तो ये सबका इस तरीके से ऑटोफिल कर देगा। अब इस पर बॉर्डर लगाना है तो इस तरीके से जाइए, सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से बॉर्डर लगा लीजिए, तो यहाँ पे क्लिक करिएगा तो इसमें बॉर्डर के भी कलर आएंगे, एक्सेल में भी आता है, ऐसा नहीं है। तो ये हो गया, और यहाँ से जो भी कलर आप चाहते हैं वो कलर का बॉर्डर बना लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये बॉर्डर बनाया, देख सकते हैं, और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो उसी कलर का बॉर्डर आ जाएगा, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो है ये इस तरीके का मिल जाता है, लेकिन अभी हमको यहाँ पर एक चीज और समझना है। क्या समझना है कि यहाँ पे हम मान लीजिए हमने यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट किया, तो ये टैक्स यहाँ पे लिख दिया, और मान लीजिए कि टैक्स में हम ड्रॉप डाउन चाहते हैं कि ड्रॉप डाउन आए, तो कैसे ड्रॉप डाउन आएगा, तो यहाँ पे वही डाटा टैब पे जाएंगे, डाटा टैब पे जाने के बाद डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे, और यहाँ पर देखिए ऐड रूल पे जाएंगे, और ऐड रूल पे जाने के बाद हमें ड्रॉप डाउन तो बनाना है, लेकिन हम यहाँ पर इस बार परसेंटेज में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कुछ चीजों पर 5% का टैक्स लगा, कुछ चीजों पर 10% का लगा, ठीक है, और कुछ चीजों पर यहाँ पे ऐड अनदर आइटम पे जाएंगे, और फिर यहाँ पे 12% का लगा, और यहाँ पे फिर 18% करेंगे, ठीक है। जितना जीएसटी का स्लैब है सब लगा देते हैं इसमें, ठीक है। अब एक और जीएसटी का स्लैब होता है जिससे जो है 21%, ठीक है, और फिर यहाँ पर एक और जीएसटी का स्लैब है जो होता है 28%। तो ये इस तरीके का जीएसटी का स्लैब होता है। अब ये मैंने लगा दिया, अब यहाँ से ओके किया, जैसे ही ओके करेंगे और इसको थोड़ा सा हटाते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो ये सारे टैक्सेस शो हो रहे हैं, शो हो रहे हैं ना। अब यहाँ पे जाइए आप, 18% का टैक्स है, लेकिन हमको यहाँ पर टैक्स अमाउंट पता करना है कि ये जो प्रोडक्ट 800 का बिका है तो इस पे 18% का टैक्स लगा हुआ है, या 5% का लगा हो तो वो टैक्स अमाउंट हुआ कितना। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे आएंगे, टैक्स TAX, टैक्स यहाँ पे एक कॉलम अलग से ऐड कर दिया हमने, और यहाँ पे इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे, क्योंकि बिना इज इक्वल टू का तो कोई फॉर्मूला शुरू ही नहीं होता है। और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे तो इसका सेल एड्रेस आ गया, सेल एड्रेस आने के बाद क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है सीधा, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसी से। तो इसको सेलेक्ट कर लिया, एंटर करेंगे, यहाँ पर आपका टैक्स अमाउंट आ गया कि इस पे कितना परसेंट टैक्स हुआ। अब सब पे 18% लग गया, ये ध्यान दीजिएगा।
ठीक है, अगर आप चाहते हैं अलग अलग लगाना तो आप अलग अलग लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सब पे 18% ही अप्लाई हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ से आप चेंज करते हैं, यहाँ पे 10 करते हैं तो सब पे 10% हो जाएगा, यहाँ से आप चेंज करते हैं 5% करते हैं तो सब पे 5% हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां से इसको सेलेक्ट करके और फिर वापस से वही बॉर्डर बनाना है, तो बॉर्डर बनाने के लिए अब आपको काफी काम करना पड़ेगा। पहला तो यहाँ पे जाना पड़ेगा, फिर यहाँ से चूज करना पड़ेगा कलर, तो ये हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि जो फॉर्मेट बना हुआ है वही फॉर्मेट अप्लाई हो जाए इस पे भी। तो आप इतना डेटा सेलेक्ट कर लिया आपने और यहाँ पे चले जाइए पेंट फॉर्मेट पे और यहाँ पे बस इसको चला दीजिए, जैसे ही चलाएंगे ना तो यही फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए इन दोनों में भी अप्लाई हो गया है, तो ये दोनों हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो ये डिलीट कर दिया हमने, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से आ गया है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये सारी चीजें कैलकुलेट हो गई, लेकिन अब यहाँ पे समझिएगा इस तरीके से हमने किया है तो यहाँ पर ये इस तरीके से ड्रैग करने पे आ तो जा रहा है, लेकिन एक्सेल में ये आता नहीं है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, ये पूरा ही डेटा उठाता हूँ और सीधा एक्सेल में लेके चलता हूँ, यहाँ से क्लिक किया हमने, इसको कॉपी किया और इसको एक्सेल में लेके चलते हैं। तो ये हमारा एक्सेल है, यहाँ पे एक्सेल 2007 है, तो इसमें आइए। तो जब एक्सेल में आएंगे ना तो ये आपको काफी दिक्कत करेगा, ठीक है। ये जिस तरीके से गूगल शीट में जितनी आसानी है इस तरीके से एक्सेल में नहीं होगा। तो यहाँ पर इसको पेस्ट किया, आप देखिए यहाँ पर ये कोई एरर वैल्यू नहीं है, ये कॉलम छोटा पड़ गया है तो ये हैश हैश करके आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इसको ड्रैग करके बड़ा कर दीजिए, ये कॉलम बड़ा हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से भी इसको ड्रैग करिए तो ये भी बड़ा हो जाएगा कॉलम, फिर यहाँ से ड्रैग कीजिएगा तो ये भी बड़ा हो जाएगा। अगर आप ये नहीं चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि कॉलम छोटा पड़ गया है तो इसको हम एक क्लिक में सही कर दें, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए इस डेटा पर कहीं भी क्लिक करके और कंट्रोल ए करिएगा तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। फिर एक शॉर्टकट की है अल्ट एच ओ आई, ये प्रेस कीजिएगा, ये ऑटोमेटिक रिसाइज हो जाएगा, ठीक है। देखिए रिसाइज हो गया, लेकिन और भी ज्यादा इसको चौड़ा बनाना चाहते हैं तो यहाँ से चौड़ाई बढ़ा सकते हैं इसकी, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो है कलर, ये बहुत समझ में नहीं आ रहा है तो इन सबको एक ही कलर में हम कर देते हैं, यहाँ तक हिस्सा ये जो है बैकग्राउंड का कलर बदलना हो तो यहाँ से जाकर के पहले इसको छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा बहुत ज्यादा स्पेस हो गया इस पे, यहाँ पर इसको येलो कर देते हैं तो ये येलो कलर में इस तरीके से आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि टैक्स अप्लाई करना है, ठीक है, टैक्स, तो वही तरीका ड्रॉपडाउन यहाँ पर भी बन जाएगा। कैसे बनेगा, डेटा टैब में जाएंगे, डेटा टैब में जाने के बाद यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे जाइए, डेटा वैलिडेशन पे जाने के बाद यहाँ पर आइए, एनी वैल्यू दिख रहा है यहाँ से लिस्ट करिए, लिस्ट करने के बाद यहाँ पे आइए। अब यहाँ पर देखिए वहां पर ऑप्शन वन ऑप्शन टू करके आ रहा था, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको कॉमा दे देकर लिखना पड़ेगा, 5% 10% कॉमा 12% कॉमा 15% कॉमा 18% कॉमा 21% कॉमा 28%, तो ये इस तरीके से दे दिया हमने, ठीक है। तो ये हो गया, अब यहाँ से ओके करिए, ओके करेंगे तो यहाँ पे आपको ड्रॉपडाउन यहाँ पे भी नजर आएगी। अब देखिए ये दोनों एक ही में आ गया है, तो इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वापस से जाना पड़ेगा यहाँ पे और डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे कहीं एक कॉमा छूट गया है, देखिए ये 12% के बाद कॉमा छूट गया है, तो कॉमा मत छोड़िएगा नहीं तो ये इस तरीके से शुरू होने लगेगा। अब देखिए ये सही हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए इस पर 10% का टैक्स लग रहा हूँ तो टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा टैक्स AMOUNT। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझानी है। यहाँ पे देखिए इज इक्वल टू लगाएंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि टैक्स तो इसी में छिपा होगा ना, और नीचे ड्रैग करने पे एक्सेल में इनेबल फिल हैंडल होता है, नीचे ड्रैग करने पे ऑटोमेटिक ये चेंज होता चला जाएगा। ये जो है ना 200 और फिर 4 का मल्टीप्लाई हुआ है तो 800 आया है ना, तो 200 का जो एड्रेस है वो क्या है, B2 है ना, ये जो 200 लिखा हुआ है इसका सेल एड्रेस क्या है, B2 है। तो B2 को किससे मल्टीप्लाई किया गया, C2 से, ठीक है, यही हुआ है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, 800 ले लेंगे, 800 का सेल एड्रेस क्या है, D2 है, और मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, टैक्स अमाउंट कर देंगे और बस एंटर करेंगे, हमारा काम हो जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि जब हम नीचे इसको ड्रैग करते हैं तो आप देखेंगे कि सब जीरो हो जाएगा, देखिए बाकी सब तो जीरो हो जा रहा है, वहां पे तो आ जा रहा था, गूगल शीट बड़ा आसान है लेकिन एक्सेल में थोड़ा सा पेच है। तो ये देखिए यहाँ पर जो है ये 80 हो जा रहा है, तो 80 हो जाएगा तो अब इसको सही कैसे करेंगे, तो जरा इसको एनालाइज करते हैं, देखते हैं इसमें क्या गड़बड़ हो रही है। तो आप देखिए यहाँ पर हमको 800 का सेल एड्रेस चाहिए, तो 800 का सेल एड्रेस क्या है, D2 है, और यहाँ पर 10% है, तो 10% का सेल एड्रेस क्या है, G4 है। तो यानी कि यहाँ पे D2 × G4 होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, D2 × G4 है, बिल्कुल सही है। लेकिन एक्सेल की एक क्वालिटी होती है कि जैसे ही नीचे ड्रैग करेंगे ना तो रो और कॉलम ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है, खासतौर पर रो तो चेंज ही होता है, ठीक है, कॉलम भले ही ना चेंज हो लेकिन रो तो जरूर चेंज हो जाता है, किन्हीं किन्हीं परिस्थितियों में कॉलम भी चेंज होता है लेकिन रो तो जरूर चेंज होता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, D3, अब D3 तो होना ही चाहिए क्योंकि हमारा रिकॉर्ड तो अगला वाला D3 में है, लेकिन क्या ये G5 हो जाना चाहिए, तो G5 में तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो ऐसे में ये आएगा जीरो, क्योंकि जीरो मान के चलेगा एक्सेल की आप
आपने इसमें जीरो रखा है, किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करने पे जीरो ही आ जाता है, जब जीरो आ जाएगा तब तो हो जाएगी सब गड़बड़। तो आपको करना क्या होगा, यहां पर एक सेल एड्रेस देखिए, ये इसे कहते हैं रिलेटिव सेल एड्रेस या रिलेटिव सेल रेफरेंस, इस तरह का जो सेल एड्रेस है, अब B2 into G4 है, तो इस तरह का जो सेल एड्रेस है इसे रिलेटिव कहते हैं। अब रिलेटिव क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी फिक्स नहीं है। फिक्स कैसे होता है, डॉलर लगाने से। देखिए इसमें यहां पर नीचे आ रहे हैं तो हमारा क्या चेंज हो रहा है भाई, D2 तो D3 बनना चाहिए और G4 जो है G5 नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो D3 यहां पर आते हैं तो यहां पर देखिए D3 तो बन रहा है लेकिन ये G5 बन जा रहा है। तो यहां पर देखेंगे तो 4 जो है 5 में चेंज हो जा रहा है, जी तो जी ही रह रहा है लेकिन 4 5 में चेंज हो रहा है, यही हमको नहीं करना है, ठीक है। 4 5 में चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहां F2 करेंगे फॉर्मूले को एडिट करने के लिए और यहां डॉलर लगा देंगे और डॉलर लगा करके एंटर करेंगे। इसे कहते हैं मिक्स्ड सेल एड्रेस। इसे क्या कहते हैं, मिक्स्ड सेल एड्रेस। देखिए रो और कॉलम में से कोई एक फिक्स हो जाता है तो इसे कहते हैं मिक्स्ड सेल एड्रेस या मिक्स्ड सेल रेफरेंस। और अब एंटर करिएगा तो अब आप देखिएगा कि यहां से इसको ड्रैग कराना है, तो ड्रैग कराना है तो इस तरीके से ड्रैग कराइए, अब आपका सब आ जाएगा क्योंकि हमने फिक्स कर दिया। यानी अब 4 तो 4 ही रहेगा। यहां पे देखिए D2 into G4 दिख रहा है, फिर एंटर किया, फिर यहां पे क्या दिख रहा है, D3 into G4 दिख रहा है। 4 अब चेंज नहीं हो रहा है, पहले तो चेंज हो जा रहा था, अब नहीं चेंज हो रहा है। देखिए चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये कहीं नहीं चेंज होगा, ठीक है। अब मान लीजिए इस पर टैक्सेस चेंज करने हैं तो यहां से 12% का टैक्स अगर लगाना है तो देखिए ये ऑटोमेटिक सब चेंज हो जाएगा अपने आप, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। इसमें भी पेंट फॉर्मेट है, तो यहां पे कैसे है, जैसे मान लीजिए यही फॉर्मेट अप्लाई करना है हमको, ये वाला फॉर्मेट हमको यहां पे अप्लाई करना है, तो यहां पे होम टैब पे जाएंगे ना तो ये पेंट फॉर्मेट पेंटर मिलता है, इस पे क्लिक करिएगा, ये फॉर्मेट इसने चूज कर लिया है और यहां पे इसको लगा दीजिए, तो देखिए यही फॉर्मेट इस पे भी अप्लाई हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से होगा। तो गूगल शीट में और एक्सेल में कौन सा ज्यादा आसान है देख लीजिए, मुझे लगता है कि गूगल शीट ज्यादा आसान है और इंटरेस्टिंग भी है और दोनों ही स्प्रेडशीट है, ठीक है। तो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमेशा इसी तरीके से करेंगे, ठीक है।